अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटम की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, उसमें शेल्स क्या होते हैं, उसमें सब शेल्स क्या होते हैं, और फिर उन शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे लिखी जाती है, आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। हमें पता है कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और एक एटम के अंदर थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हर एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि जो एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये दो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, यानी जो न्यूक्लियस है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब ऑर्बिट और शेल में एक डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है कि ऑर्बिट्स बेसिकली पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जबकि शेल इज़ समथिंग डिफरेंट। वो अभी आगे चल के हम आपको शेल के बारे में बताते हैं। तो ऑर्बिट का आप याद रख लें कि ये पाथ होते हैं, ये रास्ते होते हैं जस्ट जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट, यानी न्यूक्लियस के करीब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, और ये जोन बने होते हैं, लेवल्स बने होते हैं। इन लेवल्स का नाम हमने रखा हुआ है शेल्स, यानी मेजर एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज शेल्स। और जो नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैं उनकी एनर्जी लोएस्ट होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो शेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं के से स्टार्ट लेते हैं, एल एम एन आगे चलते जाते हैं। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि ये जो शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये शेल बेसिकली क्या चीज़ है, शेल का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक सिंगल शेल के अंदर होते हैं, उन सब की एनर्जी सेम होती है। जब एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो फिर ओरिएंटेशंस हैं वो फिर डिफरेंट हैं, यानी कोई एक्स एक्सिस पे हैं, कोई वाई एक्सिस पे हैं, कोई जी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह वो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक हॉल बनाते हैं, एक शेल बनाते हैं, एक कवर बना देते हैं। तो वो जो एक कवर होता है, एक लेयर बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस, सेम एनर्जी सेम डिस्टेंस के ऊपर, उस कवर का नाम रखा हुआ है शेल। यानी जैसे अंडे का शेल है, वो अंडे को उसने बाहर से घेरा हुआ है, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड का एक कवर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम शेल का नाम देते हैं। तो उम्मीद है अब समझ आ गई होगी कि शेल का वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया गया है। यहाँ एक बार देख लें एनिमेशन के जरिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर यानी एक शेल की ओरिएंटेशन इस साइड से है, तो इसको हम अगर कहते हैं फर्स्ट शेल, यानी तो ये सपोज कर लें कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर अरेंज है, और अब ये वाई के ऊपर भी हो सकता है, ये जी के ऊपर भी हो सकता है, यानी इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो वो किस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर फर्स्ट ओरिएंटेशन हम ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम जी। अब आप देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर बन गई है, एक शेल बन गया है इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं उनका। तो ये जो शेल है या कवर है, ये रीज़न है बेसिकली कि हम इसको शेल कहते हैं, यानी इसका जो रेडियस है वो फिक्स है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग है। इसी तरह ये पहला शेल है, आगे जो दूसरा शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं वो इसी तरह इससे थोड़े से बड़े रेडियस के साथ वो ऑर्बिट्स उसके अराउंड एक्स वाई जी एक्सिस में अरेंज होके एक और सेकंड लेयर बना देते हैं, सेकंड कवर बना देते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम फिर सेकंड शेल कहते हैं। इसी तरह आगे चलते जाएँ तो तीसरा शेल है, चौथा शेल है, एंड सो ऑन। अब ये जो शेल्स हैं बेसिकली मेजर एनर्जी लेवल्स हैं, इन मेजर एनर्जी लेवल्स को हमने मजीद स्मॉल एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो जो स्मॉल एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम कहते हैं सब शेल। याद रखें हर शेल के अपने सब शेल्स होते हैं। इसी तरह शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, यानी इनकी जो शेप्स हैं उसकी बेस पे हम कहते हैं एस पी डी और एफ सब शेल। ये फोर जो सब शेल्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है, तो बेस्ड ऑन देयर शेप्स हम सब शेल्स को एस पी डी एफ स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो शेल का नंबर है वो भी हमें हिंट देता है कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट शेल है उसका मतलब फर्स्ट शेल है तो मीन के वन सब शेल,
सेकेंड शेल है मीन के टू सब शेल, थर्ड शेल है मीन के थ्री सब शेल एंड सो ऑन। तो इस तरह जो शेल नंबर है वो हमें सब शेल की तादाद बताता है। फॉर एग्जांपल शेल नंबर एक जो है उसमें एक सब शेल है, शेल नंबर दो में दो सब शेल हैं, और एम मतलब तीसरा जो शेल है उसमें तीन सब शेल्स आएंगे। अब हम देखते हैं कि सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने अकोमोडेट किए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो एस और सब शेल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी सब शेल के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे कम हो सकते हैं अगर ये सब शेल एंड पे आ गया है, तो उसमें बाकी जितने भी बचते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हम आगे बात करते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, कौन से शेल्स जो हैं वो पहले आते हैं और कैसे फिल होते हैं, और फिर सब शेल्स कौन से हैं वो कैसे फिल होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की यानी शेल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस अरेंजमेंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल की भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल की भी होती है, ये डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का ये एक सिंपल सा फार्मूला है 2n2। अब इसमें n जो है वो शेल का नंबर, मीन कि अगर आप फर्स्ट शेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप n की जगह पे 1 पुट कर दें, अगर आप सेकंड शेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप n की जगह पे 2 पुट कर दें। तो हम ये एग्जांपल में ये 2 पुट करके आपको बताते हैं कि सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं। तो सेकंड शेल में आप देख रहे हैं कि 2 इनटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एन एन की जगह पे हमने 2 पुट किया, उसकी पावर लेंगे तो वो 4 आ जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, मीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं सेकंड शेल के अंदर। अब हम देखते हैं कि इस 2n2 फार्मूले की बेस पर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने कितने बनते हैं, यानी के एल एम एन एटसेट्रा। तो के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, और एम में 18 आ गए, एन 32 एंड सो ऑन। आगे आप एन की वैल्यू चेंज करते जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उस पर्टिकुलर शेल के अंदर वो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। फर्ज करें जी हमें एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में या एग्जाम में कि राइट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। अब अगर आपको ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो फिर आप क्या करें, आप पीरियाडिक टेबल को खोल लें, और पीरियाडिक टेबल में आम तौर पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऊपर लिखा होता है, टॉप पे लिखा होता है एलिमेंट की सिंबल के साथ, बिल्कुल इस तरह। ये टेबल आप देख रहे हैं सामने, इसका एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर यह ब्रोमीन आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर 35 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 35 है, और हमने 35 इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर अरेंज करने हैं। तो चलें जी देखते हैं कैसे करते हैं। ब्रोमीन 35 में हमने जब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं तो जाहिर है पहला शेल के है, तो हम के से स्टार्ट लेंगे और 2n2 फार्मूले के मुताबिक मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले इस शेल्स में आ सकते हैं वो हम लगाते जाएंगे, और मतलब के में 2 हैं, एल में फिर 8 हैं, बिल्कुल इस तरह। आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जितने बाकी बच जाते हैं वो आ जाते हैं। जैसे ये देखें ब्रोमीन 35 है, इसका के एल एम एन शेल हमने लिखा, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, एम में 18। अब जो बाकी बच गए हैं वो कितने हैं, वो 7 बचते हैं, लिहाजा वो एन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह ये आपकी है शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। उसके बाद हम बात करते हैं जी सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो पेपर एग्जाम्स हैं उनमें यही पूछी जाती है। तो अब ये इसके लिए एक मैं बहुत ज़बरदस्त टिप आपको बताने लगा हूँ, बेहतरीन तरीका है, इसको समझ लें और फिर कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सब शेल की है वो लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक फिक्रा है आपके सामने, इस सेंटेंस को आप याद कर लें, हर वर्ड जो है वो 2 बार आ रहा है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, एंड फर्स्ट डिविजनल पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये एक पूरा सेंटेंस है, यानी हर वर्ड 2 बार आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि इस सेंटेंस को याद करने के बाद हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि स्कूल का ये एस आ गया, इस स्कूल का ये एस आ गया, पब्लिक का पी आ गया, फिर स्कूल का एस आ गया, तो इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं ये आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, और इन सारे फर्स्ट अल्फाबेट्स को आपने स्मॉल मतलब इसको लिख लेने और इनको अरेंज कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। यानी अब इसको अगर आप सेंटेंस दोबारा से पढ़ें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिग्री पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड फर्स्ट डिविजनल पब्लिक स्कूल एटसेट्रा, जब ये आप अलग कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस अरेंजमेंट को आप बना लेते हैं, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनकी आपने नंबरिंग कर लेनी है।
यानी हर जो सब शैल है इसको नंबर असाइन करना है। नंबर कैसे असाइन करना है, आपने जो एस है पहला एस ऊपर उसको वन से स्टार्ट करके आगे जितने भी एस हैं टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, इसी तरह जो पी की नंबरिंग है वो आपने टू से स्टार्ट करनी है और डी की नंबरिंग आपने थ्री से स्टार्ट करनी है, एफ की नंबरिंग आपने फोर से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये वन एस आ गया, फिर टू एस आ गया, थ्री एस आ गया, फोर एस, फाइव एस एंड सो ऑन। अब एस कंप्लीट हो गया तो पी की बारी है, तो पी में आ गया टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, सिक्स पी एंड सेवन पी। अब डी की बारी आ गई है तो थ्री डी हो गया, फोर डी हो गया, फाइव डी हो गया, सिक्स डी हो गया। अब एफ की बारी आ गई है, फोर एफ एंड फाइव एफ। अब ये नंबरिंग जो है इनकी सारी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसी सारी अरेंजमेंट को स्ट्रेट लाइन में लिख लेना है और उनके हर एक जो नंबर और सब शैल है उसके दरमियान कोमा पुट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। जब ये एक पूरा सेंटेंस आपके सामने ये लाइन लिखी हुई है, अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना शुरू कर देना है। यानी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे अरेंज करते हैं कि हर सब शेल में जो उसमें एस है उसमें दो आते हैं, पी में छः आते हैं, डी में दस आते हैं, एफ में चौदह मैक्सिमम आते हैं, कम इससे आ सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही वाली जो पीछे हमने ब्रोमीन वाली की है, अब उसी ब्रोमीन की शेल की बजाय सब शेल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राइट सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन। अब हमें पता है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है जो कि पीछे हम फाइंड कर चुके हैं, लिहाजा अब ये 35 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको हमने सब शेल की पावर में लिखकर पूरा अपना कोटा जो है वो कर लेना है। अब ये सबसे पहले हमने वो वाला सेंटेंस लिख लिया, उसके बाद लेफ्ट साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम पुट करना शुरू कर देते हैं। एस के ऊपर 2 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर पी के ऊपर 6 आ गए, फिर एस के ऊपर 2 आ गए, फिर पी पे 6 आ गए, फिर 4 पे 2 आ गए, डी पे 10 आ गए और पी पे अब 5 बचते हैं बाकी, लिहाजा पी में आप एंड पे 5 ही लगा देने। अब ये यहां तक ये आपकी जो 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्रोमीन के ये पूरे हो गए। अगले जो बाकी रेस्ट है आपकी लाइन बची हुई है उसको आपने वेस्ट कर देना है। अब उसका इस ब्रोमीन के कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक नहीं है, जस्ट आपने स्टार्ट वाला जो जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं बस आपने वो ले लेना है और 35 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। इस तरह ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप सेपरेट लिख लेंगे, यानी ब्रोमीन 35, इसमें एस में 2 आ गए, इसी तरह हर एक सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो गए। यही जो मेथड है ये आपने बाकी एलिमेंट के लिए भी रिपीट करना है, यानी अगर आप इवन यूरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो भी आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इजीली मैनेज हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे और एक पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख सकेंगे। अब इसमें बाज़ बुक्स में बाज़ जगहों पर हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शुरू में नोबल गैस एक लिखी होती है, तो नोबल गैस का मतलब है कि उस नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले वो शामिल करनी है और एंड पे जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स उन्हें दिखाए होते हैं वो भी उस एलिमेंट के साथ ऐड कर देने। तो नोबल गैस प्लस वो जो एंड वाले आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें ऐड कर दें तो उस एलिमेंट की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने कुछ सीखा है आज तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और ये नाम हमेशा से आपने याद रखना है, जब भी आपको एकेडमिक्स के हवाले से प्रॉब्लम्स हों, कोई आपने वीडियोस देखनी हो, लेक्चर्स देखने हो, जूलॉजिस्ट मोहसिन इस चैनल के ऊपर हम इसी तरह आगे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम गिव अप नहीं करेंगे। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे काफिले में शामिल हो सकते हैं। बड़े दिल वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।